और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एनविसेज करना। एनविसेज करने का मतलब होता है आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, आप इमेजिन कर रहे हो कि फ्यूचर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आराम से अपनी जॉब पे जाओगे, पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। तो एनविसेज करना मीन्स किसी चीज़ को देखना फ्यूचर में होते हुए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू फोरसी समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर। फोरसी में रूट वर्ड क्या है? फोर। फोर प्री प्रो बी एंटी, इन तीनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इन सारे रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बिफोर। पहले से ही आपने किसी चीज को प्रिडिक्ट कर लिया, पहले से ही आपने उस चीज को देख लिया, इमेजिन कर लिया, एंटिसिपेट किया कि मतलब हाँ ऐसा फ्यूचर में होगा, विजुलाइज कर रहे हो ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड है कि भाई ऐसा होगा। एंटिसिपेट आप सरप्राइज हो गए कि भाई सच में ऐसा होगा। इम्प्रोवाइज आपने उस चीज को इम्प्रूव किया। इम्प्रोवाइज यहाँ पे इतना सही एंटोनिम नहीं है। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है? पहले आपको पहले कुछ हुआ फिर उसको और अच्छा किया, तो डायरेक्ट एंटोनिम ये नहीं है। स्पॉन्टेनियस कोई चीज कैसे हुई, कोई चीज तुरंत के तुरंत हुई, मतलब उसमें क्या हुआ, एक तरीके से कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से। अगला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव के दो मीनिंग्स होते हैं। एक ग्रेव को नाउन की तरह यूज करते हैं, तब इसका मीनिंग क्या होता है? कब्र, जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, जिसमें लोगों को दफनाया जाता है। और जो कब्रिस्तान होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। एक ग्रेव एडजेक्टिव भी होता है। जब भी एडजेक्टिव होता है उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही सीरियस कोई चीज है। इट्स अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टोन का शब्द है। किसी के लिए भी आप ग्रेव यूज करोगे मतलब वो नेगेटिव है। तो कोई चीज सीरियस है, सोलेम है, सिवियर है, बहुत ही खराब है, इम्पॉर्टेंट है, अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली या बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो उस काम को करने के लिए, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्नेस्ट। बहुत सीरियस है, बहुत डिटरमाइंड होगी कोई काम करना, इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों हालांकि थोड़े से पॉजिटिव टोन के हो गए हैं, ये दोनों नेगेटिव टोन के हैं। एंटोनिम्स कैजुअल है, नॉर्मल सा है, कोई सीरियसनेस नहीं है, फ्रिवोलस है, मजाक की सा चल रहा है, कोई सीरियसनेस है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो द डॉक्टर डिलीवर्ड द न्यूज, डॉक्टर ने न्यूज दी एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। डॉक्टर ने क्या दिया? न्यूज दिया। कोई दिक्कत? अगला वर्ड है इंसेप्शन। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ। इंसेप्शन मीन्स शुरुआत, जब से उसका इंसेप्शन हो, सिंस द इंसेप्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जब से प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई, तो इंसेप्शन मीन्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कमेंसमेंट उस चीज की शुरुआत हुई, ऑनसेट, लॉन्च, स्टार्ट। एंटोनिम्स खत्म हो गया भाई, कंक्लूजन, कंप्लीशन खत्म हो गया, टर्मिनेशन खत्म हो गया, कल्मिनेशन एंड हो गया। तो उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत किससे शुरू हुई? उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई अ शेयर्ड लव ऑफ बुक्स। दोनों ही बुक से बहुत प्यार करते थे और इसी की वजह से क्या हुआ, उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड आया था, ग्रामर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई एग्जाम्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। क्या ये सेंटेंस सही है? मेरे एग्जाम्स मंडे से स्टार्ट होते हैं? नहीं, ये जो सेंटेंस है गलत है, हमेशा याद रखना। क्योंकि मंडे से स्टार्ट नहीं हो सकती कोई चीज, स्टार्ट एक पर्टिकुलर दिन होगी, उसके बाद तो कॉन्टिन्यूएशन में चलेगी। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? इस दिन भी हो रही है, इस दिन भी हो रही है, इस दिन भी हो रही है। तो कोई भी चीज एक पर्टिकुलर दिन स्टार्ट होती है, तो इसी वजह से स्टार्ट के साथ, बिगिन के साथ, कमेंस के साथ हम ऑन लगाते हैं। अगर हम किसी डे की बात कर रहे हैं, फ्रॉम नहीं लगा सकते, फ्रॉम अप्रैल, माई एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, ये भी गलत है। मंथ है तो मंथ के किस में क्या लगाओगे? इन अप्रैल, मेरे एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। अगले वर्ड पे आते हैं स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट मीन्स बहुत ही लाउड, बहुत ही हार्श, बहुत ही तेज, बहुत ही स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपके कानों में बहुत तेज आवाज करे, दैट इज व्हाट स्ट्रीडेंट। फिर से ये नेगेटिव टोन का शब्द है, पॉजिटिव टोन का शब्द नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पियर्सिंग, जो कान को एकदम एकदम पियर्स कर दे, छेद दे, ब्लेयरिंग, बहुत तेज, रॉकस, क्लैमरस, बहुत ही खराब आवाज।
एंटोनिम्स जेंटल, बहुत ही सुकून भरी, मेलो, सुकून भरी, हारमोनियस, शांति भरी, सूदिंग, रिलैक्सिंग। तो उनकी जो तेज आवाज थी, उसके क्रिटिसिज्म की वो बुराई कर रही थी, और इतनी तेज से चीख चीख के बुराई कर रही थी, वो इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था उसको इग्नोर करना। अगला वर्ड है यूफोरिया। इसमें रूट वर्ड है ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, सॉन्ग सुना है? उसमें जो एक्ट्रेस है वो कौन सी स्टेट में है? वो यूफोरिया की स्टेट में है, मतलब बहुत खुश, इतना इतना खुश इंसान। कल बहुत सारे बच्चों का SBIPO का एग्जाम क्लियर हुआ, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, फोन पे बात की, बहुत सारे बच्चों से जूम पे बात की, तो सारे के सारे बच्चे किस स्टेट में थे? यूफोरिया की स्टेट में थे। एन इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी, एक्सटेसी, डिलाइट, जुबिलेशन, इलेशन, हद से ज्यादा खुशी। एंटोनिम्स ग्लूम, दुख, सौरो, दुख, मेलनकोली, सैडनेस, एंग्विश, एक तरीके से अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो जो उसके प्रमोशन की न्यूज थी, इसकी वजह से वो बहुत यूफोरिया से भर गई, बहुत खुशी से भर गई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दिस इज अ नाउन। अगला वर्ड है नेब्यूलस। हाँ मैम, एक इडियम भी है इसके लिए, ओवर द मून। आई एम ओवर द मून मीन्स आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम ऑन क्लाउड 9 मीन्स आज मैं बहुत खुश। अगला वर्ड है नेब्यूलस। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेब्यूलस का मीनिंग होता है कोई चीज जो क्लियर ही नहीं है, समझ नहीं आ रही कैसी फॉर्म है उसकी, या कैसा सा है वो, ऐसा सा है, कोई भी ऐसी चीज है, क्लियर ही नहीं है, कोई डेफिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो वो चीज क्या होती है? नेब्यूलस होती है। समथिंग अनक्लियर और लैकिंग डेफिनेट फॉर्म। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर, क्लियर नहीं है, हेजी है, इनडिस्टिंक्ट, क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्रिसाइस है भाई, एक्यूरेट है, ऑब्वियस है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है। तो पेंटिंग में एक नेब्यूलस सा फिगर था, मतलब एक अनक्लियर सा फिगर था, मेकिंग इट डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके सब्जेक्ट को डिसर्न कर पाना, समझ पाना कि वो एक्चुअल में है क्या, ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अच्छा, एम्बिगुअस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बी इसमें रूट वर्ड है, और एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस कैसी चीज को बोलते हैं? एम्बिगुअस हम ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो, मतलब क्लियर ही ना हो रहा हो कि क्या है। इसका एक और वर्ड होता है एम्बी का, जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, जिसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें जो वायरस था या फिर जो प्रोफेसर थे, वो क्या थे? एम्बी डेक्स्ट्रस थे, वो एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? जो इंसान एक साथ दोनों हाथों से लिख सके, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एक और वर्ड होता है एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट होता है जो इंसान डिसीजन ना ले पा रहा हो, एक ही पल सोच रहा हो यार गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर लेता हूँ, दूसरे पल सोच रहा हूँ नहीं यार बिजनेस कर लेता हूँ, तीसरे पल सोच रहा हूँ नहीं यार कोई जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। एम्बी वैलेंट है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अगले वर्ड पे आते हैं ऑगरी। ऑगरी वर्ड को आप याद कर सकते हो, आगे। ऑगरी कुछ आगे जैसा लग रहा है ना, तो इसको इस वर्ड से याद कर सकते हो। तो ऑगरी का मतलब क्या है? कि आप कोशिश कर रहे हो आगे की चीजों को पता लगाने की, कि आगे क्या होने वाला है। तो कोई चीज जो सिग्नल हो आगे की चीजों का, उसको क्या बोलते हैं? ऑगरी। द प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग साइंस, किसी साइन को इंटरप्रेट करना और आइडेंटिफाई करना कि भाई ये इस चीज का सिग्नल है, आगे ऐसा होगा। प्रिडिक्शन, ओमेन, पोर्टेंट, हार्बिंजर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करना। इन चारों शब्दों का मीनिंग क्या है? कि आगे का सिग्नल। एंटोनिम्स अभी रियलिटी है, फैक्ट है, वेरिटी है। वेरिटी में रूट वर्ड है वेर। वेर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रूथ। तो वेरिटी मीन सच्चाई है, सर्टेनिटी है, वो होगा ही होगा, कोई फ्यूचर का सिग्नल नहीं है, वो चीज आपको क्लियर है। तो अचानक से जो टेम्परेचर गिरा है, अचानक से जो ठंड हुई है, वॉज व्यूड, उसको कैसे देखा गया? कि ये एक ऑगरी है। ऑगरी मीन्स एक सिग्नल है। किसका सिग्नल है? कमिंग विंटर, आने वाले विंटर के मौसम का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। अगला वर्ड एपिटमाइज करना। एपिटमाइज करने का मतलब क्या होता है? पहले तो उसका नाउन फॉर्म पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत ही वर्ड आया है, इसको बोलते हैं एपिटमी। एपिटमी नाम से मेरी एक बुक भी आती है, जो SSC के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक है। तो
तो एपिटेमी का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज के एग्जाम्पल को, किसी चीज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं? एपिटेमी बोलते हैं। तो ये जो है नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? इसका वर्ब फॉर्म होता है एपिटेमाइज। तो एपिटेमाइज का मतलब क्या हो गया? आप किसी को किसी का एग्जाम्पल की तरह सर्व कर रहे हो, किसी का उदाहरण दे रहे हो, सिंबलाइज कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, एग्जाम्पलीफाई कर रहे हो, सिग्निफाई कर रहे हो, मतलब किसी जिसको एग्जाम्पल की तरह बता रहे हो। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। डिफाई मीन्स डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अंडरमाइन कर दिया मीन्स वैल्यू कम कर दिया। तो उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो काइंडनेस का एक और सिनोनिम क्या होता है? उसके अंदर का जो कंपैशन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एपिटमाइज करता है द स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी, कि वो कितनी ज्यादा जेनरस है, कितनी ज्यादा वो मतलब लोगों की मदद करती है, कितना ज्यादा उसका दिल बड़ा है। कोई परेशानी यहां तक किसी को भी। अगले वर्ड पे आते हैं स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है? कि आपने किया तो कुछ और, लेकिन उसका कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ गया, मतलब किसी भी चीज का कोई रिजल्ट जो होता है, और ये ऑफन इनडायरेक्ट रिजल्ट, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। तो द अनइंटेंडेड और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का इफेक्ट जो आपने सोचा नहीं था, जो इनडायरेक्ट है, उसको स्पिल ओवर कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। वैसे स्पिल ओवर का मीनिंग क्या होता है? छलकना। एक सॉन्ग याद आ गया मुझे, छलकारे कल से का पानी, सुना है किसी ने? तो वाटर क्या हो गया? वाटर स्पिल ओवर हो गया। एक इडियम, एक प्रोवर्ब भी है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? कि इसको हिंदी में बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इंग्लिश में क्या कहावत होती है? इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट, मतलब जो हो गया अब उसके ऊपर दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता। चलो सिनोनिम्स क्या हो गए? इम्पैक्ट, रैमिफिकेशन मीन्स कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आफ्टर मैथ किसी चीज के बाद में जो रिजल्ट आया, आउटकम्स जो रिजल्ट आया। एंटोनिम्स आइसोलेशन, एक्सक्लूजन, अलग कर दिया, अवॉइड कर दिया, कन्फाइनमेंट बंद कर दिया। अच्छा एक्चुअली है क्या, ये जो मैंने आप लोग को एंटोनिम्स मैं आपको दे रही हूँ, जिससे कि मैं आपको और नए नए वर्ड्स बता सकूँ, और नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स बता सकूँ। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं होते, किसी चीज के फैलने का कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं हो सकता। तो बहुत सारे वर्ड्स के डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं होते, तो हम कुछ कुछ रिलेटेड एंटोनिम्स लिख लेते हैं, जिससे कि हमें वर्ड्स तो मिलते ही रहे। कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? जेल में बंद कर देना। तो द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, जो इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके अनइंटेंडेड स्पिल ओवर्स, मतलब उनका ऐसा इम्पैक्ट पड़ा किस पे? लोकल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, अनइंटेंडेड भी, जो सोचा नहीं था। अगला वर्ड है टेंडिंग। टेंडिंग का मतलब क्या है? कोई चीज जो कोई आउटकम की तरफ इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता, बट इनको यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पोस, फॉर एग्जाम्पल सीक, फॉर एग्जाम्पल टेंड। तो पोस का मतलब क्या होता है? रिस्क के लिए यूज करते हैं, कोई चीज रिस्क पोस करती है, मतलब रिस्क सामने रखती है। सीक किस चीज के लिए यूज करते हैं? जब आप किसी चीज को चाह रहे होते हो, आप कोई रिजल्ट चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, तो सीक यूज करते हैं। तो सिमिलरली टेंड का भी यूज करते हैं। टेंड यूज करते हैं जब आप किसी चीज की तरफ जा रहे होते हो, या किसी चीज की तरफ आपका झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, तो कब, तब उस केस में कब यूज क्या करते हैं? टेंड। ये वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। तो लीनिंग, स्वेइंग, हेडिंग, ड्रिफ्टिंग, उस डायरेक्शन में जाना। एंटोनिम्स त्याग देना, उसको निग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। तो जो वेदर है वो किस चीज की तरफ झुकाव है उसका? रेन की तरफ, मतलब बारिश होगी। तो वेदर दिख बता रहा है कि बारिश होने वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? कोई परेशानी? चलो कुछ इडियम्स पे आते हैं। टू फिल द वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? खालीपन। तो वैक्यूम को फिल कर दिया, मतलब खाली जगह थी उसको आपने पूरा भर दिया। टू ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ पोजिशन। गोज विदाउट सेइंग, मतलब कहने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कोई चीज इतनी ऑब्वियस है कि मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये चीज इतनी ऑब्वियस है कि भाई परफेक्शन 9 बजे हो गई होगा,
आज वेंसडे है तो परफेक्शन यूट्यूब पे हो गई होगा, तो इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब समथिंग इज सो ऑब्वियस दैट इट डजंट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. एक्सप्लिसिटली मीन्स ऊपर बाहर से कहने की जरूरत नहीं है. टू सी थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, आप किसी चीज को रोज के कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देख रहे हो, इसका मतलब कि आपको रियलिटी नहीं दिख रही, आपने अपने मन में एक सोच बना रखी है, आप उसी सोच के थ्रू, सोच से उस चीज को देख रहे हो. मतलब आप क्या हो, बायस्ड हो. आप क्या हो, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रेजुडिस्ड हो. प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है कि आपने पहले से ही उस चीज को लेके एक ओपिनियन बना के रखा हुआ है, आप रियलिटी नहीं देख रहे हो, सिर्फ अपने ही मन में जो आपने ओपिनियन बना के रखा हुआ है उसी के बेसिस पे चीजों को जज कर रहे हो. फॉल शॉर्ट, ही फॉल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन, मतलब वो कमी रह गई, कहीं ना कहीं वो फेल हो गया, वो वहां तक रीच नहीं कर पाया. ट्रैम्पिंग थ्रू, ट्रैम्पिंग थ्रू का मतलब क्या होता है, वॉक तो कर रहे हो लेकिन बड़ी गंदी तरीके से वॉक कर रहे हो, गिर रहे हो, ठोकर खा रहे हो, बड़ी खराब तरीके से वॉक कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैम्पिंग थ्रू.